एसटीएफ भोजपुर पुलिस की टीम ने भोजपुर के मोहल्ला चौधरी निकट मदीना मस्जिद मकान नाजिम के गोदाम के ऊपर बने कमरे से नकली नोट का जखीरा बरामद किया। छापेमारी के दौरान मौके से आरोपियों के अलावा नकली नोट बनाने वाली मशीन भी बरामद हुई। पुलिस इस गैंग के पीछे के बड़े नेटवर्क को तलाशने में जुट गई है। शनिवार सुबह एसटीएफ भोजपुर पुलिस ने भोजपुर के चौधरीयान मोहल्ले में मदीना मस्जिद के नाजिम के गोदाम में छापेमारी की है। मौके पर झोला छाप पे कथित तौर पर डॉक्टर नफीस अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी कमालपुर थाना कुंदरकी के अलावा नाजिम पुत्र खलील मिले, दोनों नकली नोट बना रहे थे। नाजिम भोजपुर के मशहूर कॉमेडियन और सोशल मीडिया स्टार उस्मान भारती का भाई है। दोनों के कब्जे से 20-20 रुपए की नकली नोटों की 60 गड्डियां बरामद हुई हैं। बरामद नकली नोट टोटल 1,20,000 रुपए हैं। इसके अलावा आधे बने नोट नकली नोट बनाने का उपकरण भी पुलिस ने मौके से बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ नकली नोट बनाने में धोखाधड़ी करने में आदि का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाजार में नकली नोट खपाने के लिए वह युवती का इस्तेमाल करते थे। युवती की पहचान सहनाज पुत्र खलील अहमद निवासी मदीना मस्जिद के पास मोहल्ला चौधरीयान भोजपुर के रूप में हुई है। फिलहाल युवती फरार है। आरोपियों ने बताया है कि कुंदरकी का रहने वाला डॉक्टर नफीस अहमद नकली नोट बनाने में कारोबार में लंबे समय से जुड़ा है। छानबीन से पता चला है कि उसके खिलाफ मंझोला व अमरोह में मुकदमा दर्ज है। 8 माह पहले डॉक्टर नफीस कोर्ट से आत्मसमर्पण कर चुका है। जेल से छूटने के बाद वह दोबारा इस कारोबार में जुड़ गया। डॉक्टर नफीस के संबंध विदेशी लिंक भी तलाशे जा रहे हैं। दोनों आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराकर कोर्ट ने पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।